तो नींबू का एक ऐसा पौधा है जो उसका फल हर जगह काम आता है, अचार बनाइए या फिर उसका जूस पीते हैं, गर्मी का दिन में बहुत ही फायदेमंद चीज़ रहता है, या फिर बालों में लगाते हैं, या कई तरह काम आता है दोस्तों, गन्ने के जूस में भी काम आता है, इतना सारा काम आता है, उसके बाद भी हमारे पास नींबू का पौधा ख़राब हो जाता है या फलता नहीं है। वो क्यों नहीं फलता है, कितना पानी डालना है, कितना नंबर गमला में लगाना है, आप नर्सरी जाए तो कैसा पौधा खरीदना चाहिए ताकि ओरिजिनल नींबू मिले, वो सब चीज़ बताऊँगा, नींबू का सही पहचान बताऊँगा एकदम दिखा के, इस टाइप का नींबू ही आपको खरीद के लाना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए, कौन सा दवाई डालना है, कौन सा खाद, पूरा जानकारी दूंगा नींबू का दोस्तों, उसमें कितना दिन में कुराई करना चाहिए, कितना दिन में खाद डालना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, और वो पौधा क्यों ख़राब हो जाता है, वो सब चीज़ बताऊँगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये नींबू का पौधा है, जैसे कि मैं कई बार आपको वीडियो में बताया हूँ कि हर 15 दिन में 20 दिन में खाद डालना चाहिए या कोड़ा करना चाहिए, तो इसमें भी कितने दिन में खाद डालना चाहिए बताऊंगा दोस्तों कोड़ा इसलिए करते हैं हर 10 दिन में या 15 दिन में, क्योंकि कोड़ा करने से क्या होगा, ये मिट्टी जो है हल्का हो जाता है, हर 10 दिन में जंगल निकल जाता है, तो जंगल बेकार वाला जंगली झाड़ रहता है उसको भी हम निकाल सकते हैं, इसीलिए कोड़ा करना जरूरी रहता है। जैसे देखिए दोस्तों, इसको आप लोगों के लिए मैं लगा कर रखा हूँ, ये बहुत पहले लगाया था, 1 महीना पहले, ये वाला पौधा को हम निकाले नहीं हैं, तो जितना भी अपन खाद डाल रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, तो पूरा खींच लेता है ये तुलसी का पौधा या दूसरा जो भी पौधा रहेगा खींच लेगा, इसलिए ये पौधा ना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो इसको आप छोटे में ही निकाल के इसको दूसरे गमले में लगा दीजिए, तुलसी का पौधा है तो एक पौधा भी हो जाएगा, लेकिन एक गमले में एक ही पौधा रखे, दूसरा पौधा मत रखे, ना तो ये पौधा खराब, दोनों में कोई नहीं बढ़ेगा। हाँ, आप चाहे तो एक जैसा पौधा दो लगा सकते हैं, अगर बड़ा गमला है तो एक जैसा दो पौधा लगा सकते हैं, लेकिन नींबू का लगाने कोई फ़ायदा नहीं, 100 प्लांट आप लगा सकते हैं दोस्तों। ये होगा बात आपको कुराई उराई का, पौधा जब भी खरीदने जाए तो वो बताऊँगा आपको, अभी बता रहा हूँ दोस्तों लगाने के लिए, खरीद के किस टाइप का लाना है, ये तो ओरिजिनल नींबू है दोस्तों, और किस टाइप का जो लाएंगे, जो नींबू सही नहीं रहेगा, जो आप गलती से नर्सरी वाले दे देते हैं, तो उस वो मेन चीज़ बताऊंगा आपको, तो पहले इसको लगा के बता रहा हूँ दोस्तों। इतना बड़ा पौधा लाएंगे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 2 फीट का पौधा है तो गमला आपको 12 नंबर रखना है, बड़ा गमला रखेंगे नींबू का दोस्तों, आप ही बताइए, इसका जड़ कम रहता है और बड़ा गमला में लगा देंगे तो पूरा नमी बना लेगा, पौधा बढ़ेगा नहीं, आप इसमें 2 साल रख सकते हैं, 2 साल का बाद में फिर इसको गमला 18 नंबर 20 नंबर कर दीजिए, उसके बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ऐसे करना पड़ता है दोस्तों। आप कई बार मैं गमले के बारे में बताता हूँ तो आप सोचेंगे कि गमला आप बताते हो 10 नंबर लगाना है, फिर उसको चेंज करना है, तो इतना टाइम नहीं है दोस्तों, थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा तो आपका फल फूल अच्छा रहेगा, 100 प्लांट पौधा हो, गुलाब हो, जो भी हो आपका अच्छा रहेगा। मान लीजिए आप लगा दिए बड़े गमले में, खर्चा कर दिए, पौधा अच्छा ना हो तो मतलब क्या, तो इसीलिए अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं तो जैसे मैं बताऊंगा उसी हिसाब से कीजिए, तो आपका फल फूल अच्छा रहेगा, कोई भी चीज़ एक सिस्टम रहता है दोस्तों। जैसे हम छत पे ही चढ़ते हैं तो एक ही बार में आप एक मंजिला नहीं चढ़ते हैं, एक सीरीज चढ़ना पड़ता है तब जाके एक मंजिला हम जाते हैं, तो इसी गमला का भी है, छोटा सा गमला में लगा के बड़ा बड़ा करेंगे तो उसमें क्या होगा, जड़ काटते भी बन जाता है और उसमें खाद डालते भी बन जाता है, फिर नया एनर्जी आ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये पौधे लगाने का सिस्टम अलग है, इसमें रेती मिलाएंगे 60%, रेती का मात्रा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जड़ कम रहता है, ज़्यादा मिट्टी मिला देंगे तो नमी बना लेगा, फिर पौधा ना खाली बढ़ते रहेगा, फल नहीं आएगा, ये पौधा ना थोड़ा सा कम पानी वाला है, तो इसमें 60% रेती मिला देंगे और 40% मिट्टी मिला देता हूँ इसमें ऐसे करके। इसके बाद में गमला कोई भी रख लीजिए 12 नंबर ऐसे करके, अब ब्राउन गमला रख लीजिए, ब्लैक वाला रख लीजिए, मेरे हिसाब से आप ब्लैक वाला ही रखेंगे क्योंकि नींबू का जो पौधा है लंबा समय तक रहता है, तो इसमें फल से आपको मतलब है, तो शो का कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप लगा के छत पर रख सकते हैं, इसीलिए इसके बाद में इसे नींबू ला लीजिए, इसको झिल्ली फाड़ दीजिए दोस्तों, झिल्ली फाड़ते समय कोशिश कीजिएगा कि मिट्टी ना फूटे, थोड़ा सा मिट्टी फूट जाए तो इसको दबा दीजिए ऐसे करके, रेती और मिट्टी मिला दीजिए और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, गोबर खाद आप ऊपर से डाल सकते हैं बाद में, पहले एक बार जड़ पकड़ ले ऐसे करके कर दीजिए दोस्तों। इसमें जो भी सूखा डंगाल है, जैसे डंगाल सूख जाए कभी तो कटिंग कर देना चाहिए, सूखा सूखा डंगाल काटने से देखने में भी सुंदर लगेगा और इसको नया एनर्जी मिलते रहेगा तो पौधा बढ़ेगा जल्दी से, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं दोस्तों। रेती का मात्रा इसे ज़्यादा मिलाया हूँ क्योंकि कम जड़ वाला पौधा है तो पानी कम लगता है, अगर ज़्यादा जड़ वाला पौधा रहने से, जैसे हम
ज़्यादा भी पानी डालेंगे तो जितना जड़ रहता है ना पानी खींच लेता है, तो इसीलिए रेती का मात्रा कम रहेगा तो क्या है पानी अपन डाल दिए, ज़्यादा भी कभी डाल दिए तो पानी जल्दी से निकल जाएगा, तो पौधा आपका मजबूत रहेगा, और मजबूत रहेगा तो पौधा जल्दी से इसमें ग्रोथ आएगा। और जो फल आएगा ना फल झड़ेगा नहीं, फल कितना पर नींबू में क्या होता है फूल आने के बाद फूल में ही झड़ जाता है पूरा, होता नहीं क्योंकि वो ज़्यादा पानी का मात्रा से हो जाता है। पानी का मात्रा आप सही कीजिए सब ठीक हो जाएगा दोस्तों, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब बता रहा हूँ आपको इसमें दवाई क्या डालना है, तो ये देखिए बोन मिल है, इसको बोन मिल बोलते हैं या हड्डी चूरा बोलते हैं, इसको आप ला सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दोस्तों आप इसमें मछली का चूरा, जो मछली का जो कटिंग निकलता है फालतू उसका कचरा जो निकलता है उसको आप ला सकते हैं, ला के या थोड़ा सा एक मुठा ला के 20 दिन में महीने दिन में एक बार थोड़ा किनारे में रख दीजिए, जंगल निकाल दिए और खाद डालें तो कभी भी ऊपर से बिना कुराई किए हुए डालना है ऐसे करके। आप जब कुराई करेंगे तो हल्का हल्का, क्योंकि कम जड़ वाला रहता है, ज़्यादा कुराई करेंगे तो पूरा ये जो है ना पूरा जड़ टूट जाता है, फिर पौधा मुरझाने लगता है, ये सब चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों, तो ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ा बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो है ना इसका पत्ता मुड़ जाता है, तो इसमें ना कोई भी आप कीटनाशक दवाई इंसेक्टिसाइड जो दवाई आता है कीटनाशक, आप रोगर ले लीजिए या फिर रोगर ले लीजिए, मोनोथन ले लीजिए, सुपर किलर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेके इसमें 15 दिन में एक बार दवाई डालिए। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बरसात का टाइम में दोस्तों इसमें बहुत ही कीड़ा लगता है, बड़ा बड़ा हरा कलर कीड़ा लगता है, मतलब अगर ध्यान नहीं देंगे तो 15 दिन में पूरा पत्ता खा जाएगा, तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए आप इसको दवाई ज़रूर छिटिए। दवाई डालने से खाली कीड़ा ही नहीं भगता है, पत्ता फ्रेश रहेगा तो नया ब्रांच जल्दी आता है, तो नया ब्रांच आएगा तो फूल आएगा फिर फल बनेगा, ऐसी रहता है, इसमें पहचान नहीं रहता, इसमें कांटा नहीं रहेगा, इसका फल इतना ही बड़ा रहेगा। अभी जो ये वाला नींबू है, ये जो मार्केट में मिलता है कागजी नींबू वो वाला है, इसका पत्ता थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहता है, इसमें कांटा रहता है, तो इस टाइप का आप खरीद के लाए। ये जो नींबू है इसको अटारा नींबू बोलते हैं, अटारा नींबू जो है ना इसमें कांटा नहीं रहता है, और उसके बाद इसमें कांटा नहीं रहता है और छोटे साइज में पक जाता है, ये बहुत कांटा रहता है, इसको जब छीलेंगे तो संतरा के जैसे निकलेगा इसमें पूरा, ये देखिए आप एक खा नहीं सकते इसको, ये अचार के काम में आता है दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो ये भी ला सकते हैं, और इसको अचार के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, तो इसको आप ला के लगा सकते हैं दोस्तों इसको लगाया था बड़ा झिल्ली में मैं डाल दिया हूँ, तो ये शुरू से ही नमी बना लिया है तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। ये भी नींबू वैसी है जो कम पानी वाला है, तो ऐसे करेंगे तो आपका पौधा अच्छा बढ़ेगा दोस्तों। और दवाई बराबर डालिए, दवाई के बिना होगा नहीं, ऐसे करके दवाई कितना पड़ता है दोस्तों, 2 लीटर स्प्रे ला लीजिए, उसमें घोल के जितना आपको डालना है उतना ऐसे करके डाल दीजिए, एकदम बहुत आसान तरीका डल जाता है, एक बार घोले तो ऐसा नहीं है कि पौधा में, हर वीडियो बताता हूँ एक दवाई जो भी दवाई बताया हूँ एक बार आप घोलेंगे तो सब पौधे में काम आएगा। मैं अलग अलग दवाई हर पौधे में नहीं बताऊँगा, वैसे अलग अलग दवाई बताऊँगा तो आपके घर में तो स्टोर रूम बन जाएगा दवाइयों का, फिर कन्फ्यूजन हो जाएंगे कौन सा दवाई किस में डाले, तो इसलिए जो दवाई कीटनाशक दवाई बताता हूँ वो बराबर हर पौधे में स्प्रे कीजिएगा। खाद भले अलग अलग हो जाएगा कभी कभी, लेकिन दवाई अलग अलग नहीं होता है, तो ऐसे करके आप लगा दीजिए दोस्तों। दवाई खाद कटीन कुराई गमला ये सब एकदम पौधे के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, आप जानते हैं इसका। हम पौधा खरीदने जाते हैं कहाँ जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, नर्सरी मतलब बहुत ही देख रेख वाला चीज़ है, उसको हम पौधे को देख के समझना पड़ता है कि पौधा कब खाद मांग रहा है, कब दवाई मांग रहा है, कब इसको गमला चेंज करना है, तो जाके हम लोग के यहाँ हमेशा फूल खिलता है, पौधा बढ़ता है, फल आता है और पौधा अच्छा रहता है। तो मैं बैठे बैठे आपको मैं वीडियो में ही बता दूंगा, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे आप करेंगे, आपका भी फूल फल सब अच्छा रहेगा। कमेंट में ही हल कर दूंगा, जो कमेंट आपको समझ नहीं आता है उसमें कमेंट में बता दूंगा कि किस टाइप का और दवाई डालना है, खाद डालना है, आपका पौधा किस टाइप का है, आप लिख के भेजिए, मैं बताऊँगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक नया वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।